रायबरेली में होने वाले सावन मेले और कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने सरैनी थाना क्षेत्र के गैगासो गंगा घाट और मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत गौग्रासो गंगा घाट को भी व्यवस्थित कर लिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क मार्गों को भी व्यवस्थित किया जाए और घाटों पर वाहनों को खड़ा करने के लिए उचित दूरी का चिन्हांकन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि स्नान के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए बैरिकेटिंग कराई जाए, साथ ही घाटों की साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाए। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सावन मेला और जो कांवड़ यात्रियों का आगमन जनपद में होना है, उसके दृष्टिगत मेरे और पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं। हमारी जो कांवड़ की रूट है और जो हमारे प्रमुख शिवालय एवं अन्य जो श्रद्धा के सभी स्थान हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन होगा, उन सभी का निरीक्षण कर रहे हैं। जनपद में निरंतर इन सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है और चाहे वह विद्युत सुरक्षा से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, सड़कों से संबंधित हो या सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित हो, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्हीं के निरीक्षण के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए।